Hello and welcome to my channel. और आज हम बनाएंगे छोले। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर मैंने लिए है 1 कप काबुली चना। इसे हमने रात भर के लिए पानी में भिगने रखा था और आप चाहें तो इसे कम से कम 5 या 6 घंटे तक के लिए भिगने रख सकते हैं। और अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे और 4-5 सीटी आने तक इसे पकाएंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब हम लेंगे यहाँ पर 2 टमाटर मैंने लिए हैं, 1 मीडियम साइज की प्याज, थोड़ी सी कोथमीर और हरी मिर्च। अब हम इन सारी चीज़ों को पीस कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे नॉर्मल ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके हम इसकी एक प्योरे बना लेंगे। तो इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो अब हमारा पेस्ट भी तैयार हो चुका है और साथ ही हमने यहाँ ये इमली है, इसे मैंने पानी में भिगा कर रखा है। तो बिल्कुल थोड़ा सा हम इमली का जो पल्प है वो यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और ये चने हमारे पूरी तरह से पक चुके हैं, देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो कढ़ाई में हमने 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है और उसमें हम डालेंगे ये मसाले। इसे हम 1 मिनट तक इसी तरह तेल में भूनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक बार मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे तेल में मसाले को। तो देखिए मसाले जो है वो तेल में अच्छे से भुन चुके हैं और तेल भी है वो किनारों से ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये छोले जिसे हमने पहले से ही उबाल के रखा था। इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसे इसमें पकाएंगे। तो इसे 1 मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये इमली का जो पानी है वो डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ा कम हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे ताकि जो इमली की खटाई हमने इसमें ऐड की है उसका कच्चापन निकल जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और इसमें ग्रेवी भी अच्छे से आ चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये जो ग्रेवी है वो ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए हमारे छोले जो है वो बनके तैयार हो चुके हैं और इसे अब हम बारीक कटी हुई प्याज और कोथमीर से गार्निश कर लेंगे। छोले मसाला बनके तैयार हो चुका है। आप इसे पूरी के साथ या रोटी के साथ भी इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।